जी ने 12 लाख अब तक 9000 लोगों को जो है उनका निर्देश था 1000 रुपया वितरित करते हुए 120 करोड़ रुपया जो है अब तक वितरित कर दिया गया है। आज एक कार्यक्रम भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है उस कार्यक्रम के माध्यम से भी विशेष रूप से जो है अर्बन क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जो है वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, जिसमें दैनिक रूप से कार्य कर रहे लोगों को धनराशि दी गई है। लगभग इस अवसर पर आज जो सुबह 10 बजे कार्यक्रम हुआ है 2,19,318 लाभार्थियों को 1,000 रुपया दिया गया है, यानी जो है अब तक 4,81,755 लाभार्थियों को धनराशि दी गई है। आज जो लाभार्थियों को धनराशि दी गई है उसमें पटरी दुकानदार भी हैं, दिहाड़ी मजदूर भी हैं, रेलवे की कुली भी हैं क्योंकि वो भी बेरोजगार हैं, कंटोनमेंट क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर भी हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सीधे वाराणसी, लखनऊ, झांसी, कानपुर, गोरखपुर के एक एक लाभार्थी से संवाद भी किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम जो है आज आयोजित हुआ है। मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन का विशेष जो है उसका उपयोग किया ही जा रहा है और हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन के माध्यम से हजारों हजार लोगों को जो है राहत की जो है सांस मिली है और उनसे जो है सीधे हम संपर्क करने में हमको फायदा मिला है। हम इतना जरूर बताना चाहेंगे कि जो राजस्व विभाग के जो शेल्टर होम्स हैं, जो उनके माध्यम से अब तक जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनकी संख्या भी अब काफी अधिक हो गई है। अब कुल राजस्व विभाग के 5,200 क्वारंटाइन आश्रय सेंटर्स हैं, जिसमें 1,25,989 लोगों को जो है उनमें स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो अभी तक राजस्व विभाग के माध्यम से कार्य किया गया है उसमें बहुत सारे कंपनीज ने भी जो है अपना योगदान दिया है। हायर कंपनी है, इन्होंने जो है इन जो आश्रय स्थल है उनके लिए 75 जनपदों में LCD टीवी दिया है, फ्रिज दिया है, डीप फ्रीजर दिए हैं खाने को सुरक्षित रखने के लिए। प्रिया गोल्ड जैसी कंपनी है उसने बिस्किट दिए हैं श्रावस्ती और बहराइच में। ब्रिटानिया जैसी कंपनी है उसने गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में जो है बिस्किट बांटे हैं। उन्नति की एक IT टीम है, उन्होंने 200 लीटर हैंड सैनिटाइजर हरदोई में दिया है। टी वैली करके कंपनी है, उन्होंने 900 ग्राम चाय दी है नोएडा गाजियाबाद में। मनु ऋषि दौराला शुगर मिल है, उन्होंने भी हैंड सैनिटाइजर बांटा है। ITC सोप ने 30,000 सोप के बार दिए हैं। ज्ञान डेयरी ने 11 लाख रुपए का चेक इनके लिए दिया है। सीग्राम कंपनी है, उन्होंने 5 वेंटिलेटर और 10 ICU बेड और मैट्रेसेस भी दिए हैं। एलेंटेक कंपनी है, उन्होंने डिस्पोजेबल बेडशीट्स भी दिए हैं। महिंद्रा कंपनी है, उन्होंने मास्क और फेस शील्ड दिया है। शोध रिसर्च इंटरवेंशन हैं, इन्होंने शामली डिस्ट्रिक्ट में मास्क और सैनिटाइजर दिया है। डायमंड सीमेंट है, उन्होंने भी जो है झांसी में जो है योगदान कर रहे हैं। शुद्ध प्लस हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये गोरखपुर में अपना योगदान करेंगे। इनर व्हील राउंड टेबल है, फूड आइटम्स ये 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में दे रहे हैं। इस तरह से बहुत अधिक कंपनीज ने अपने CSR में भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और हमारा आह्वान है कि बड़ी जो कंपनीज हैं जो भी CSR में अपना योगदान देना चाहें राजस्व विभाग से वो अपना संपर्क करें और अपना योगदान वो दे सकते हैं। मैं इस अवसर पर पुनः कहना चाहूंगा कि जो हॉटस्पॉट्स के एरियाज हैं उस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जो UP मॉडल हॉटस्पॉट्स का है उन हॉटस्पॉट्स में ये व्यवस्था है कि हर हॉटस्पॉट में एक मजिस्ट्रेट होगा, एक पुलिस ऑफिसर होगा, हर हॉटस्पॉट्स में बैरिकेडिंग होगी, गेट्स लगाए जाएंगे, हर हॉटस्पॉट्स में गाड़ियों की चेकिंग होगी, चालान होगा, व्यक्तियों की चेकिंग होगी, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनका भी चालान होगा। हर हॉटस्पॉट्स में हम दूध की व्यवस्था, फल सब्जी की व्यवस्था, किराना स्टोर की व्यवस्था भी हॉटस्पॉट्स में सुनिश्चित करेंगे। हॉटस्पॉट्स पर अखबार ले जाने की छूट रहेगी, वहां पर वो भी निर्धारित होगा, पहले से तय करना पड़ेगा और पहले से तय करके कार्रवाई की जाएगी। और हॉटस्पॉट्स से जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन में है उनकी लगभग अब हर जिले से जो है 100% चेकिंग की जा रही है,
जिससे हमारे हॉटस्पॉट्स के माध्यम से जो है कार्रवाई करते हुए इन एरियाज को कंटेन अगर कर लेंगे तो पूरे प्रदेश का डिजीज लोड कम हो जाएगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 15 जो हमारे जनपद हैं, इनके हॉटस्पॉट से ही केवल 300 कोविड के केसेस आए हैं, यानी 3/4 केसेस जो है हमारे हॉटस्पॉट के 15 जनपद थे, और जिन अन्य जनपदों में भी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं वहां लगभग 50 केसेस और आए हैं, तो लगभग 75% केसेस विद इन दी हॉटस्पॉट है। तो जितनी जल्दी यहाँ जो है लोगों का सहयोग मिलेगा, पूरे प्रदेश को जो है इस पूरी लड़ाई में लड़ने में आसानी होगी। तो हॉटस्पॉट में हम सबका सहयोग चाहेंगे, पुलिस का, प्रशासन का, वहां के हेल्थ ऑफिसर्स का, वहां के सप्लाई से जुड़े हुए लोगों का, और मीडिया का भी हम सहयोग चाहेंगे कि इन एरियाज में पूरी तरह से कार्रवाई हो। आप हमारे आंख नाक कान हैं, यदि कहीं कमी है तो आप पॉइंट आउट हमसे सीधे कर सकते हैं, हम उसको दूर कर सकेंगे। जो फेक न्यूज पे कार्रवाई है वो निरंतर जारी है और उसमें भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपनी बात रखने का कष्ट। व्हाट एवर वॉज दी प्रॉमिस इज कम्प्लाइड विद। आज हम लोग ने 3:30 बजे बैठक आयोजित की है। हम लोग रोज अब 3:30 बजे ही बैठक करेंगे। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जो बैठक की गई उसमें COVID-19 के लॉकडाउन के जनपदों के बारे में उन्होंने चर्चा की और उन्होंने उसका पूरा डिटेल में रिव्यू किया। जो डिटेल में रिव्यू किया उसके अनुसार जो स्थिति आई है वो हम जरूर बताना चाहेंगे कि अब तक जो हमारे पास सूचना है 13,208 FIR धारा 188 में दर्ज कर दी गई। 13,208 कुल इसमें अभियुक्त है 42,359। बहुत अच्छा काम इसी एक्ट में किया है जहां 344 FIR दर्ज कर दी गई हैं और 436 लोगों को के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। गाड़ियों की चेकिंग भी बहुत जबरदस्त रूप से हो रही है। आपको मालूम है लखनऊ में भी गाड़ियों की अब चेकिंग बहुत तेजी से की जा रही है। कुल मिलाकर 1,39,79,024 गाड़ियों की चेकिंग की गई है। कुल इसमें से 31 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनका चालान किया गया है और 20,287 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। अब तक 5,87,00,000 रुपया जो है चालान के रूप में जमा भी किया गया। इसके साथ साथ जो है अब तक जो आज रिव्यू माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उन्होंने जो हॉटस्पॉट्स थे उनका भी डिटेल में जो है रिव्यू, जो हम लोगों ने पिछले 2 या 3 दिन में कार्रवाई की है उनका भी उन्होंने रिव्यू किया है और हॉटस्पॉट्स के रिव्यू के अनुसार भी जो है काफी तेजी से प्रगति हुई है और ये डिटेल भी जो है हम आपको प्रेस नोट के रूप में जारी कर देंगे और आपको बता देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने COVID-19 के नियंत्रण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों के जांच के लिए भी निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, नोएडा और सहारनपुर में जांच की सुविधा स्थापित की जाए और हर जिले के लिए जैसा कल बताया गया था सैंपल कलेक्शन सेंटर्स के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि आयुष विभाग द्वारा बचाव और उपचार के लिए एक नया ऐप विकसित किया जाए और साथ साथ जो व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन में है यह भी निर्देश दिया है कि यदि उनके 14 दिन पूरे हो जाते हैं और नेगेटिव हैं तो उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जाए। कोविड केयर फंड में इच्छुक व्यक्तियों को विदेशों से भी मांग आ रही है धनराशि जमा करने के लिए, FCRA की भी परमिशन शीघ्र मिल जाएगी। तो यदि कोई व्यक्ति FCRA के विदेश से भी पैसा जमा करना चाहता है तो वो व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। हर हालत में राशन वितरण और बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग हो ये इंश्योर करना पड़ेगा। कुछ जगहों पर बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिला है, उस पर उन्होंने पुनः निर्देश दिया है जिले स्तर के अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को कि वो ये कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि
जहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है वहां सख्त कार्रवाई की जाए। आपको मालूम है फेस मास्क पहनने के लिए एक पूरा जो है एडवाइजरी पहले जारी की गई थी, अब एक आदेश भी जारी कर दिया है कि फेस मास्क पहनना आपका अनिवार्य है। तो यदि आप एक फेस मास्क नहीं पहने हुए हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। हमारा प्रयास है जन सहयोग लेकर सबको फेस मास्क पहनाएं। आपका भी दायित्व है, हमारे मीडिया के साथियों का, कि अपने सभी चैनल्स के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों से जो है उनको प्रोत्साहित करें कि वो फेस मास्क का उपयोग करें। फेस मास्क ना हो तो गमछा हो, गमछा ना हो तो कपड़ा जो है हो या दुपट्टा हो, महिलाएं हैं तो दुपट्टा भी लगा सकती हैं जिससे कि किसी भी रूप में फेस कवर्ड रहे। आज एपीसी साहब ने हमें बताया है कि कुल फल सब्जी के डिलीवरी के लिए 13,823 मोबाइल वैन जो है मोटराइज्ड वैन लगाए गए हैं और 28,524 ठेला या हाथगाड़ी लगाई गई। कुल मिला के 42,347 वाहनों से वितरण किया जा रहा है। 42,347 पहली बार दूध का उपार्जन पूरे प्रदेश में जो हमारे डेयरीज के माध्यम से होता है 50 लाख लीटर दूध का उपार्जन हुआ है 50,97,870 और इसमें से वितरण जो है तरल दूध का 33,72,914 लीटर हुआ है। 19,131 लोगों ने इसका वितरण डोर टू डोर किया है। किराना स्टोर्स जो है 20,284 स्थापित की गई हैं और उनमें भी लगभग 48,679 होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। राशन कार्डों का भी जो है काफी हद तक वितरण अब तक किया गया है और अब तक कुल मिलाकर जो है कुल प्रचलित जो राशन कार्ड है 3,50,99,976 में से, यानी लगभग 3.5 करोड़ राशन कार्ड में से 2,75,59,190 यानी लगभग 80% से ज्यादा जो है राशन कार्डों पर वितरण हो गया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2,75,59,190 जो है राशन कार्डों से वितरण किया गया है। कुल 3.5 करोड़ राशन कार्ड में से लगभग 80% से ज्यादा काम हो गया है। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इन राशन कार्ड के माध्यम से फ्री राशन भी बांटा गया है, इसके माध्यम से जो अंत्योदय का राशन भी बांटा गया है और जो कर्मकार हैं, रोजगार करते हैं लोग, उनको भी बांटा गया है। धार्मिक संगठनों के माध्यम से अब तक जो है 2037 कम्युनिटी क्रिचन से 7,27,595 फूड पैकेट बांटे गए हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से 775 जो है कम्युनिटी किचन से 4,60,000 फूड पैकेट बांटे गए हैं। कुल कल 11,88,276 फूड पैकेट बांटे गए हैं और मुझे बताकर खुशी है कि कल तक पूरे प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा कुल इतने दिनों में फूड पैकेट बांट दिए गए हैं। जो हॉटस्पॉट्स थे उनमें जो है हम बताना चाहेंगे कि उनमें भी वितरण की व्यवस्था अलग से कर दी गई है। हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में जो है जो 15 जनपद के हॉटस्पॉट है उनमें जनसंख्या लगभग 5,31,000 है और वहां पर भी 265 डोरस्टेप डिलीवरी, मिल्क बूथ के डिलीवरी और 446 फल और सब्जी के डिलीवरी और प्रोविजन स्टोर के 453 डिलीवरी के पॉइंट्स और व्यक्तियों के माध्यम से जो है इनका वितरण किया गया है। इन हॉटस्पॉट्स में भी जो है सामुदायिक जो किचन है 41 उनसे फूड पैकेट्स भी इनमें जो है वितरित किए गए। ऐसे में बहुत अधिक कार्य हुआ है। औद्योगिक विभाग के माध्यम से अब तक जो है कुल मिलाकर 28,000
599 इकाई 31,377 में से 28,599 इकाइयों में 368.07 करोड़ रुपए का वेतन का भुगतान किया गया है। ये बहुत बड़ा जो है उपलब्धि है पूरे देश में। यूपी के इस मॉडल में जहां फैक्ट्रीज के माध्यम से पेमेंट कराया गया है वहां के कर्मियों का, ये मॉडल जो है पूरे भारत सरकार ने भी इसको लागू किया है। 2,778 इकाइयों में भुगतान की कार्रवाई जल्दी करा दी जाएगी। जो बंद इकाइयां थी कुल मिलाकर 4,682 इकाइयों को शुरू कर दिया गया है, और इनमें भी जो है जहां भी पास की व्यवस्था नहीं हो पाई थी वो अपने निकटस्थ जिला मजिस्ट्रेट या GMDIC के माध्यम से जो अपने पास की व्यवस्था कर सकते हैं। निर्माण कार्यों में आपको मालूम है देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब